क्या आपको पता है कि भोजपुरी की बहुचर्चित हीरोइन पाखी हेंगड़े पहले से ही शादीशुदा हैं और इनका तलाक भी हो चुका है। अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। दरअसल पाखी की शादी 2001 में ही हो चुकी थी। ये दो बच्चे की माँ भी हैं। पाखी और इनके पति का झगड़ा पाखी के फिल्मों में काम करने की वजह से हुआ था, जिसके बाद दोनों का तलाक भी हो गया है। अब पाखी अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले मुंबई में ही रहती हैं। अब बात करते हैं भोजपुरी के अमिताभ बच्चन यानी मनोज तिवारी की। इनकी शादी 2004 में हो गई थी। इनकी पत्नी रानी की मर्जी से तलाक हुआ है। इसका कारण मनोज और श्वेता तिवारी की नज़दीकियाँ थीं। बता दूं कि मनोज की एक बेटी भी है जो अब रानी के साथ ही रहती है। अब बात करते हैं भोजपुरी में सुपरस्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह की। इनकी दो शादियां हो चुकी हैं। इनकी पहली शादी 2012 में हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम रीना था, जो प्रतिज्ञा सीरियल में काम करती थी। इनकी ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। लगभग 4 महीने में इनका तलाक हो गया, जिसकी भारी कीमत पवन को रकम के रूप में चुकानी पड़ी थी। दूसरी शादी इन्हीं की भाई के साली से हुई थी और अफसोस 4 महीने बाद पवन की दूसरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली। अब पवन भी कई सालों से सिंगल हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।